तो दोस्तों, यदि आप एक नई वीडियो रिकॉर्डिंग वाले स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं या फिर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो और आप उसके लिए एक नए यूट्यूब वाले स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ सारी स्मार्टफोन जो यूट्यूब वीडियोस के लिए एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आते हैं, और इसके साथ ही इसमें आपको एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अब तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन अर्निंग से जुड़ी काफी कुछ सीख सकते हैं, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यूट्यूब वीडियोस के लिए हमें कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए, तो ऐसे में तो हमें काफी तरह तरह के स्मार्टफोन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब बात हो एक बेस्ट और बजट स्मार्टफोन की तो ऐसे में हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से हमें कौन सा लेना चाहिए जब हमारी बजट हो 20,000 रुपए के अंदर। तो आपके इसी सवाल के जवाब देने के लिए मैंने दो स्मार्टफोन पिक किए जो सबसे बेस्ट निकल कर आता है यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए, और इसके साथ ही इन दोनों स्मार्टफोन में हमें कुछ कमियां भी देखने को मिल जाती है, और वो सारी बातें जानेंगे इसी वीडियो में। ये दोनों ही स्मार्टफोन एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है जब बात हो वीडियो रिकॉर्डिंग की तो। लेकिन रुकिए जरा, आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन बेहतर निकल कर आती है, और इसके साथ ही हम जानेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सी कमी देखने को मिल जाती है जिससे आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक नए स्मार्टफोन या फिर बोल सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए एक नया स्मार्टफोन लेने वाले हो। तो जब भी आप एक यूट्यूब वीडियोस के लिए एक नया स्मार्टफोन लेने वाले हो तो यह दो फीचर्स को जरूर ध्यान में रखें एक नए स्मार्टफोन खरीदें, वीडियो रिकॉर्डिंग और यूट्यूब वीडियोस के लिए। सबसे पहला फीचर्स निकल कर आता है कि आपको उस स्मार्टफोन में EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जिन लोगों को पता नहीं EIS क्या होता है तो मैं आप सभी को बता दूं, EIS को हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन कहते हैं, और इसे वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है जिससे आपको एक स्टेबल फुटेज देखने को मिल जाती है। और दूसरा फीचर ये देखे कि उस स्मार्टफोन में आपको एक अच्छी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, और एक अच्छी कैमरा होना काफी मैटर करता है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अच्छी कैमरा होने से आपके फुटेज में एक अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हो दोनों स्मार्टफोन के बारे में एक एक करके। तो आज के लिस्ट का सबसे पहला स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 6 प्रो। तो आइए अब जान लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन भी देखने को मिल जाता है, जिससे आपको एक अच्छी अल्ट्रा स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाता है जब भी आप इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे स्वाइप या फिर स्क्रॉल करते हैं। और इस स्मार्टफोन की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाले स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और वहीं पे आप बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज के बारे में, तो इसमें आपको 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो एक बड़ी स्टोरेज होना अच्छी बात है जब आप वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं स्मार्टफोन से। बैटरी की बात करते हैं, स्मार्टफोन में आपको 4300mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको 30W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के साथ, जिससे आप अपने बैटरी को कर पाएंगे बहुत ही जल्दी चार्ज। तो आइए आप जानते हैं स्मार्टफोन की सुपर इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 12MP का टेलीफोटो लेंस और 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 20x जूम, सुपर नाइटस्केप 3.0 मोड और रॉ इमेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। रियर कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी इस स्मार्टफोन में आपको EIS मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाता है, जिससे आपका रिकॉर्ड किया गया फुटेज और भी ज्यादा स्टेडी निकल कर आता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन के कैमरे से आप वाइड एंगल वीडियो भी शूट कर पाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन से आप मैक्स 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, और इसके अलावा फुल HD और HD क्वालिटी में 30fps और 60fps दोनों में ही शूट कर पाएंगे। अब बात करें स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसमें हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आता है डुअल पंच होल स्क्रीन के साथ, जिसमें आपको 16MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रंट सेल्फी कैमरे के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ग्रुप सेल्फी मोड, नाइट सेल्फी मोड जैसे कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं पे आप बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरे के वीडियो फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे में भी आपको अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे फ्रंट सेल्फी कैमरे से भी एक अच्छी
टेबल फुटेज रिकॉर्ड कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको फ्रंट सेल्फी कैमरे में रियल टाइम बोके मोड देखने को मिल जाता है, जिसका मदद से फ्रंट सेल्फी कैमरे से पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर लगी इस स्मार्टफोन की। और इसके अलावा भी स्मार्टफोन में हमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से आप स्लो मोशन वीडियो अप टू 120 एपीएस तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप फुल HD और HD क्वालिटी दोनों में ही 30 एपीएस तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप व्लॉग वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अच्छी, क्योंकि स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे में आपको अल्ट्रा इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको एक काफी ज्यादा हद तक स्टेबल फुटेज देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा भी आपको फ्रंट सेल्फी कैमरे में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप एक अल्ट्रा वाइड एंगल में भी आप व्लॉग को शूट कर पाएंगे। तो यदि आप व्लॉग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर तो ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है आपके लिए। और इसके अलावा भी यदि आप रियर कैमरे से वीडियो शूट करना पसंद करते हैं तो भी एक अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है। लेकिन मैं इस स्मार्टफोन को ज्यादा रिकमेंड करूंगा यदि आप व्लॉग वीडियो ज्यादा शूट करते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो आइए अब जान लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको के तरफ से पोको X2, और ये भी काफी अच्छी स्मार्टफोन निकल कर आती है। जब बात हो वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते हमें एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जब भी हम स्वाइप या फिर स्क्रॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। और अब बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो इसमें भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाले स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 6GB का रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं बैटरी की तो इस स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही आपको 27W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने बैटरी को कर सकते हैं काफी जल्दी चार्ज। कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर लेंस हमें देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में। और इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड, रॉ इमेज का सपोर्ट, नाइट मोड, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरे फीचर्स में। वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप मैक्सिमम 4K वीडियो 30 FPS तक शूट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में भी EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो हमें Realme 6 Pro में देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है यदि आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को जरूर चेक करें। इसके अलावा इस स्मार्टफोन से आप फुल HD और HD दोनों में 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे विथ EIS। चलिए अब जान लेते हैं स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में हमें डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 20MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाता है। और वहीं पे हम बात करते हैं सेल्फी कैमरे के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको AI ब्यूटी, नाइट मोड और काफी कुछ देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स में। सेल्फी कैमरे के वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको किसी भी तरह का EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और आप मैक्सिमम फुल HD में 30 FPS तक रिकॉर्ड कर पाएंगे इसके सेल्फी कैमरे से। रियर कैमरे के स्लो मोशन वीडियो के बारे में बात करें तो आप मैक्सिमम 960 FPS तक शूट कर पाएंगे, तो आप स्लो मोशन वीडियो बेसिकली रियर कैमरे से ही शूट कर पाएंगे, जिसमें आप फुल HD में 120 FPS तक शूट कर पाएंगे स्लो मोशन वीडियो, और 720p में आप 960 FPS तक शूट कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है इस स्मार्टफोन की। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, यदि आप व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये स्मार्टफोन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इससे अच्छा है कि आप Realme 6 Pro ले लें, इसलिए क्योंकि Poco X2 में आपको सेल्फी कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स में आपको EIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और यदि आप फिर भी ये स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं व्लॉगिंग के लिए तो ये वाला गिम्बल आप जरूर खरीद लें, जिसके मदद से आपको एक अच्छी स्मूथ और स्टेबल फुटेज देखने को मिल जाती है। यदि आप बैक कैमरा से घूमते फिरते या चलते फिरते ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो Poco X2 आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है, क्योंकि स्मार्टफोन में EIS का सपोर्ट 4K
में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपका कोई राय विचार या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।